क्लास सर। और इससे पहले वाले के अंदर अपन ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो देखा था, मल्टीप्लिकेशन किए थे कुछ और उसके बाद कुछ डिवीजन किए थे। अब आज अपन जो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर जो डिवाइड होते हैं वो करेंगे अपन। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ इन देवनागरी स्क्रिप्ट डिवीजन के तौर पर, तो सबसे पहले अगर अपन देखें इसके अंदर, तो जैसा फर्स्ट नंबर अगर अपन ने लिया, इसके अंदर अगर अपन क्या रखा है 3, 6, 4 डिवाइड बाई 12, 364 को 12 से डिवाइड करना है, तो किस तरीके से करेंगे अपन 364 डिवाइड बाई 12। तो अगर अपन पहले टेबल में देखें कि 36 कितनी बार आता है, मेरे हिसाब से आता है 3 times 12 = 36 होता है, ठीक है। फिर 36 में से 36 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब अगर अपन देखें कि नेक्स्ट नंबर जो है वो अपने पास में है 4, जब 12 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, आगे कोई दूसरा नंबर है नहीं, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे 0 लगा देंगे और यहाँ इस डिवाइड को यहीं पे खत्म कर देंगे, वो रिमाइंडर हो गया और यहाँ का जो पार्टी है वो क्वेश्चन में आ गया और 12 इसका डिवाइडर ही है और 364 इसका डिविजन हो गया। तो इस तरीके से आपको डिवाइड कर रहे हैं। एक और देख लेते हैं, अगर आप देखें तो सबसे पहले 16 दे रखा है, मतलब 16 दे रखा है और 8 टेबल 16 जो है वो कितनी बार में आता है, तो 8 टेबल अगर 16 देखें तो 8 हो गया 16, 16 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा अपने पास में 0। तो उसके बाद में अगला नंबर जो है 7, वो नीचे नोट करते हैं और 8 की टेबल में 7 नहीं आता, आगे कोई दूसरा नंबर है नहीं, तो 7 उसी वजह से आपको करना क्या है, यहाँ पर हमको 0 लगा के इस डिबर को यहीं पर खत्म करना है। अगला थर्ड नंबर देखते हैं 1, 5, 2, 3 डिवाइड बाई 7, 1, 5, 2, 3 डिवाइड बाई 7, 1, 5, 2, 3 डिवाइड बाई 7 अगर अपन करते हैं, तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि 7 टेबल में जो 1, 5 मतलब कि कितना होता है 15 होता है, 7 टेबल 15 कितनी बार में आता है, तो देखते हैं 7 टेबल 15 तो नहीं आता है, 15 से जस्ट पहले जो नंबर है 14 वो अपने 2 टाइम आता है, तो 7 2 से अपन कर देंगे यहाँ पे 14, तो 15 में से 14 को जब माइनस करेंगे अपने पास में आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो है वो 2 नोट करेंगे, तो 7 की टेबल में 12 नहीं आता, तो 7 बन जाओ 7 करेंगे अपन, क्योंकि 12 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर जो 7 टेबल में आता है, तो वो है अपने पास में 7, तो अपन 7 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 12 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो अपने पास में बचेगा अपने पास में 5। अब उसके बाद अगला नंबर जो है वो नीचे नोट करेंगे, नंबर बन जाता है 53, तो 7 टाइम 53, तो 7 7 जब 49, तो 59 में से सॉरी 53 में से 49 को जब माइनस करेंगे अपन तो अपने पास में बचेगा 4। तो इस तरीके से आपको इस डिवाइड को खत्म करना है और अपन देखेंगे कि ये अपने क्वेश्चन में आ गया, ये अपना रिमाइंडर है, ये डिवाइडर और ये पीस वाला अपने जो है वो डिविडेंड है। तो ये कुछ डिवाइड के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और किस तरीके से अपन डिवाइड करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे और देखेंगे अपन,
फाइव डिवाइड बाई फिफ्टीन। अगर अपन देखें कि टू फोर सिक्स और फाइव डिवाइड बाई किस कितने से किया अपने, फिफ्टीन से डिवाइड करना है, तो अपन देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले टू फाइव सिक्स फाइव, तो सब टू फोर सिक्स फाइव, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे टू फोर सिक्स फाइव डिवाइड बाई फिफ्टीन। से अगर डिवाइड किया तो सबसे पहले अगर देखेंगे अपन फिफ्टीन को टू से, टेन से अगर टू को डिवाइड करते हैं तो नहीं होगा, टू और फोर ट्वेंटी फोर, फिफ्टीन टेबल में ट्वेंटी फोर नहीं आता, तो फिफ्टीन बन जाए फिफ्टीन, ट्वेंटी फोर में से जब फिफ्टीन को जब माइनस कर देंगे तो फिर अपने पास में आएगा नाइन। फिर अगर अपन देखें कि जो नेक्स्ट नंबर जो सिक्स है वो सिक्स आ जाएगा आपके नीचे, तो नाइन और सिक्स कितना हो गया नाइन्टी सिक्स, अगर फिफ्टीन टेबल में नाइन्टी सिक्स देखता है फिफ्टीन सिक्स या नाइन्टी, तो फिफ्टीन सिक्स या नाइन्टी, नाइन्टी सिक्स में से जब नाइन्टी को लेस करेंगे तो अपने पास में बचेगा सिक्स। अगला जो नेक्स्ट नंबर है अपने पास में आएगा फाइव, तो सिक्सटी फाइव, तो फिफ्टीन टेबल में सिक्सटी सेवन और सिक्सटी फाइव माइनस करेंगे तो फिर अपने पास पीछे बचेगा फाइव, तो इस तरीके से आपको इनको डिवाइड को करना है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर, नाइन टू फाइव जीरो डिवाइड बाई थर्टीन, नाइन टू फाइव जीरो डिवाइड बाई थर्टीन से अगर डिवाइड करना है तो किस तरीके से अपन करेंगे, तो वही सेम सिस्टम है अपने, नाइन टू फाइव जीरो डिवाइड बाई थर्टीन, तो थर्टीन की टेबल में सबसे पहले अगर अपन देखेंगे कि नाइन्टी टू जो है वो कितने बार आता है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे फिफ्टीन सिक्स जा कितना आता है नाइन्टी टू होता है, तो नाइन्टी टू में से नाइन्टी टू को जब माइनस करेंगे तो पीछे कितना, सॉरी फिफ्टीन सिक्स नाइन्टी होता है, और नाइन्टी टू में से जब नाइन्टी को जब लेस करेंगे तो आपके पीछे बचेगा टू। फिर उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट नंबर जो है वो आता है पास में फाइव, तो एक सेकेंड यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है थर्टीन, थर्टीन टेबल में आपको देखना है कि नाइन्टी टू थर्टीन सेवन जब नाइन्टी वन होता है, नाइन्टी टू में से नाइन्टी वन को जब प्लेस करोगे तो अपने पास में आएगा वन। फिर अगला जो नेक्स्ट नंबर है फाइव, ठीक है, तो फिफ्टीन, तो थर्टीन टेबल में फिफ्टीन जो है वो वन टाइम के अंदर आता है, वो पीछे फिफ्टीन में से फिफ्टीन जाएगा पीछे बचेगा जीरो, और अगला जो जीरो है इस जीरो को अपना जैसे आगे ट्रांसफर कर देंगे, तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ डिवाइड्स थे जो आपको समझाए गए थे देना स्क्रिप्ट के अंदर, अब आगे कुछ डिवाइड दे रहा हूँ जो कि आपको तो होमवर्क के तौर पर सॉल्व करना है। ये जो डिवाइस है जो आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले
3625 डिवाइड बाय 15 से करना है। फिर उसके बाद अगर अपन देखें कि 2635 डिवाइड बाय 9 से करना है, 5603 को डिवाइड आपको 19 से करना है, 3627 को 20 से डिवाइड करना है, और 6935 को आपको 14 से डिवाइड करना है। ये कुछ डिवाइड्स है जो कि आपको उनको सॉल्व करने हैं और वापस चेक करना है आपको कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अब इसका हम देखते अपन जैसे मल्टीप्लिकेशन को अपन ने सॉल्व कर लिया, डिवीजन सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर अपन नॉर्मल डिवीजन भी सॉल्व कर लिया और अपन ने देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में भी अपन ने समझ लिया। अब आती है बात की कई बार अगर अपने क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि जो भी अपन डिवाइड करते हैं उन डिवाइड जो अपन ने डिवाइड किया है वो डिवाइड सही किया है या गलत किया है, उसका आंसर अपन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात अपने वेरिफिकेशन के लिए भी अपन ये चीज़ें अपन चेक कर सकते हैं कि अपना जो डिवाइड जो अपन ने किया है वो सही किया है या फिर नहीं किया है, तो उसको भी अपन चेक करने के लिए मेथड होता है। अब क्या मेथड है वो देखते हैं। तो डिवीजन का चेक योर आंसर इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टी परसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर अपन देखें कि डिविडेंड का मीन्स कि डिविडेंड इक्वल डिविजन डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर, मतलब कि डिवाइजर और क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे सबसे पहले उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो अपने पास में जो रिमाइंडर आया हुआ है उस रिमाइंडर की वैल्यू को अपने इन दोनों के प्रोडक्ट के अंदर अपन ऐड कर देंगे, तो जो इनकी जो वैल्यू है वो अपने जो डिविडेंड के बराबर होनी चाहिए, जो अपने क्वेश्चन में जो डिवाइजर डिविडेंड दे रहा है उसके बराबर अपने पास में वैल्यू होनी चाहिए। अब किस तरीके से होगा वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल तौर पर डिवाइड ले सकते हैं अपन, जैसे सबसे पहले अपन ने डिवाइड लिया जैसे 17 की टेबल से 3605 2, जैसे ये नंबर है अपने पास में 36052, तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन सीधी सी बात है तो सॉरी डिवाइड करते हैं तो 17 36 तो 7 नहीं आता तो 7 2 34 होता है, तो 7 2 34 पीछे रिमाइंडर में बच गया 2, नेक्स्ट नंबर अपन देंगे नीचे 0, तो 17 20 में से 17 जब जाएगा तो पीछे बचेगा अपने पास में 3 बचेगा, नेक्स्ट नंबर जो है वो अपने पास में है 5 है तो 5 को अपन ले लेंगे नीचे 17 2 34 होता है, 35 में 34 को जब वो माइनस करेंगे तो अपने पास में बचेगा 1, और नेक्स्ट नंबर जो है वो है 2, तो अगर अपन ने नीचे 12 ले लिया तो उसके बावजूद तो अपने डिवाइड नहीं हो रहा तो अपन हेजेसिक्स को छोड़ेंगे, लेकिन इसके वजह से जो 2 है वो उसका डिवाइड नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 जरूर लगा देंगे। अब इस चीज़ से तो इस चीज़ का अपन को जरूर ध्यान देना है। ये कर दिया, फिर अब देखेंगे कि अपन ने जो डिवाइड किया है वो सही किया या नहीं किया, आंसर जो अपन ने सॉल्व किए हैं वो सही आ रहे नहीं आ रहे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो जो वैल्यू इसमें पूछी गई है वो वैल्यू अपन को सेट करनी है। तो सबसे पहले पहले जो अपन देखते हैं डिविडेंड, तो डिविडेंड की वैल्यू क्या रखी है अपने पास में 36052 है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन 3605 और 2, उसका इक्वल का साइन आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में। फिर अपन देखते हैं डिवाइजर कितना रखा है, तो डिवाइजर अपन को देखा है 17 देखा है, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में 2120, तो 2120 इन दोनों को क्या करेंगे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर बाहर प्लस का साइन लगा के रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है अपने पास में 12 है, इस 12 को अपन इस पर सेट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब क्या करेंगे अपन को इनको सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे जो ब्रैकेट वाले को सोल्व किया जाता है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, सबसे पहले ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट को अपन सोल्व करेंगे, इसके अंदर अपन को दे रखा है 2123 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपन को रखते हैं जाके करना है 2120 मल्टीप्लाइड बाई 17, तो अगर अपन इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 7 2 14 होता है, 7 2 14 को 14 और 1 कैरी
सेवन हजार सेवन और एट और सेवन टू जर फोर्टीन। समझा के बाद वापस देखेंगे सेवन को जीरो से किया तो जीरो, सेवन टू जर फोर्टीन का फोर वन के लिए सेवन हजार सेवन और वन एट हो जाएगा और सेवन टू जर फोर्टीन हो जाएगा। समझा के बाद अब इसमें से एक नंबर कंप्लीट हो गया तो वन नीचे क्या लगा दो क्रॉस लगा दो। वन को जीरो से करोगे कितना आएगा जीरो, वन को टू से करोगे कितना आएगा टू, वन को वन से करोगे तो कितना आएगा वन, वन को टू से करोगे कितना आएगा टू। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे इन दोनों को करना है बस। तो जीरो फोर एट और टू का टेन और वन कैरी फोर वन फाइव फोर वन सिक्स और टू वन थ्री। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है थ्री सिक्स जीरो फोर जीरो ये आपकी वैल्यू आई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो थ्री सिक्स जीरो फोर और जीरो, ठीक है, और जो ये वैल्यू है इसको ऐसे लिखना आपको थ्री सिक्स जीरो फाइव टू। अब आगे क्या देखना है प्लस ट्वेल्व देखना है। अब देखेंगे अपन थ्री सिक्स जीरो फाइव टू डिवाइड बाई थ्री सिक्स जीरो फोर जीरो प्लस ट्वेल्व, मतलब इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अब आप देखें कि थ्री सिक्स जीरो फोर जीरो प्लस ट्वेल्व करना है तो अब इसमें देखेंगे टू और जीरो क्या होता है टू होता है, फोर और वन क्या होता है फाइव होता है, जीरो का जीरो होता है, सिक्स का सिक्स होता है और थ्री का थ्री होता है। तो थ्री सिक्स जीरो फाइव टू और इधर भी क्या देखा है वैल्यू थ्री सिक्स जीरो फाइव टू ये देखा है और इन दोनों की जो प्लस है वो अपने पास कितनी आई है थ्री सिक्स जीरो फाइव टू, मतलब दोनों की वैल्यू अपने पास में सेम आई है। तो इस वजह से अपना जो आंसर आया है या जो अपने जो डिवाइड किया है वो एकदम सही है। तो इस तरीके से अपन अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। जिस तरीके से अपने वैल्यू दोनों के सेम आई है तो उस हिसाब से अपन को देखना है कि अपना जो आंसर है वो 100% सही है। तो इस तरीके से कई बार अपन को तो दे दिया जाता है कि आपने डिवाइड को चेक करना है तो अपने अगर आंसर को अगर चेक करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो ये मेथड है जो ये फॉर्मूला दे रखा है आपको इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है और याद रखना है आपको और उनको जो जो भी अपने डिवाइड वगैरह दे रखे हैं उन डिवाइड को आपको चेक करना है। अब एक चीज़ और जो इससे पहले जो मैंने डिवाइड के जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं आपको होमवर्क के तौर पे तो उन सारे क्वेश्चनों को उन सारे डिवाइड्स को आपको चेक भी करना है। इस तरीके से हर एक डिवाइड के अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है सारी वैल्यूज को इसके अंदर सेट करना है फिर उसके हिसाब से आपको सॉल्व करके देखना है कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है। दोनों वैल्यू सेम आ रही है तब तो आपका डिवाइड सही है और नहीं तो आपका डिवाइड गलत होगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को भी आप चेक कर सकते हो कि आपने आंसर जो निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। बाई चांस अगर यहाँ पे मिस्टेक आई अगर आती है तो आपको देखना है कि आपने जो डिवाइड है उसमें कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जो लैंग्वेज क्वेश्चन है अब किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर वन जिसके अंदर आपको देखता है छाया बोर्ड 20 कॉपीज फोर रुपीज 360 कॉस्ट ऑफ वन कॉपी। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे कि अगर अपन को 20 लोग 20 कॉपीज की अगर कॉस्ट अगर अपन को 360 रुपीज रखी है तो वन कॉपी की कॉस्ट कितनी हुई तो वो चीज आप लोगों को बताना है। तो अपन ये किस तरीके से बताएंगे तो सबसे पहले अगर अपन देखेंगे कि सबसे पहले अगर अपन देखें तो 20 कॉपीज कॉस्ट 20 कॉपीज कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको रुपीज 360 वन कॉपी कॉस्ट इक्वल 360 डिवाइड बाय 20 वन जीरो से वन जीरो कट करेंगे तो टू की टेबल से अगर 36 को देखें तो 218 ठीक है तो वन कॉपी की कॉस्ट कितनी होगी तो
तो 6 को ले लिया नीचे, तो 2 भी डबल 16 जो है वो 28 जा 16 होता है तो कर दिया, तो आंसर कितना है प्लस 18 18 यहाँ पे आता है। इस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करना है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। धीरज A64 धीरज है 864 बनाना स्टेट हाउ मेनी डजन बनाना ही है। तो अपन को देखना है कि जो धीरज नाम का लड़का है जो कि 864 बनाना लेके आता है मार्केट से, अब आपको ये बताना है कि वो टोटल कितने डजन लेके आया है। तो अब आपको मेन चीज़ ये ध्यान होनी चाहिए कि डजन का मीन क्या होता है। तो डजन का मीन देखते हैं कि कोई भी 12 things 12 चीज़ों का जो भी ग्रुप होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वन डजन बोलेंगे। जैसे 12 एपल्स हो सकती है, 12 बॉल्स हो सकती है, 12 कार्स हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें डजन के अंदर आती है। अगर कोई भी 12 चीज़ों का जो भी ग्रुप होता है उसको तुम क्या बोलेंगे, डजन बोलेंगे। तो इसको ये बताना है कि जो 864 बनाना है वो टोटल कितने डजन है, मतलब 12 के साथ अगर अपन ग्रुप बनाए, 12 बनाने के साथ अगर ग्रुप बनाए तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, तो ये चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले अगर आप देखें सॉल्यूशन के तौर पर सबसे पहले देखते हैं टोटल बनानास और 864 बनानास टोटल बनानास इन ए डजन इक्वल 12 बनानास को 8 से नहीं होता, 12 को 86 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 7 जा 84, 86 से 84 जाएगा तो पीछे बचेगा 2, अगला आएगा यहाँ पे तो 12 2 जा 24, तो पीछे कितना आया आपके पास आपको एक क्वेश्चन मिलता है 72, तो यहाँ पे 72 10 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकाल है। तो इस तरीके से जो भी आपको होमवर्क दिए हुए हैं वो होमवर्क आपको करना है कंप्लीट।